नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हैरी एजुकेशन न्यूज़ के अंदर। दोस्तों, पंचायती राज एलडीसी भर्ती 2013 के अभ्यर्थियों के लिए विशेष सूचना है कि एलडीसी भर्ती 2013 के अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया होगी शुरू। अभी अभी उपेंद्र यादव सर ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा है कि एलडीसी भर्ती 2013 के अभ्यर्थियों का कैलेंडर को लेकर विभाग के अधिकारियों से हुई चर्चा, और चर्चा के अंदर कहा है कि इसी महीने के अंदर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। और साथियों, पूरा वीडियो आपका उपेंद्र यादव सर का वीडियो आपको आगे दिखाया गया, जिसके अंदर सभी अभ्यर्थी वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, क्योंकि एलडीसी 2013 के अभ्यर्थियों के लिए इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ है जो कि आपको मैं वीडियो आगे दिखाता हूँ सोते। और आगे वीडियो देखने से पहले बता देता हूँ कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एलडीसी भर्ती 2013 से रिलेटिव सभी खबरें आपको सबसे पहले मिलती है। दोस्तों, ये है उपेंद्र यादव सर के द्वारा जो वीडियो भी जारी किया गया एलडीसी भर्ती 2013 के संबंध में। यह है जो लगातार मुझे कॉल और मैसेज कर रहे हैं। साथियों, मैं धीरे धीरे हर भर्ती के लिए प्रयास कर रहा हूं, प्रदेश के हर बेरोजगार के लिए प्रयास कर रहा हूं। इस वीडियो में पंचायती राज एलडीसी भर्ती, पंचायती राज जय। सबसे पहले मैं पंचायती राज एलडीसी भर्ती के लिए कहना चाहूंगा, आज जो अर्पणा मैम से मैं आज मिला था और पीसी के सिंह साहब से मिला था, लगातार कोशिश कर रहे हैं, और आरती मैडम जी से भी मिल गया था, मुख्यमंत्री स्पेशल सेक्रेटरी से। साथियों, जो फाइल मंत्री जी की आप सबको पता है, वहां से आने के बाद वित्त के माध्यम से सीएम हो जाएगी, कैबिनेट की आवश्यकता नहीं। आज मैं पीसी किशन जी से मिलकर आया था, उन्होंने कहा। और साथियों, पंचायत राज एलडीसी भर्ती जो 9 साल से इंतजार कर रहे हैं, साथियों आपको, क्योंकि प्रयोगशाला शाही भर्ती की सूची जारी हो चुकी है, अब प्रायोरिटी के साथ मैं आपकी मांग को उठा रहा हूं और उठा क्या रहा हूं, आपको जल्द से जल्द खुशी देने की कोशिश कर रहा हूं। अभी भी विश्वास दिलाया अधिकारियों ने, कोशिश यही है 100% इसी महीने में आपकी नियुक्ति प्रक्रिया सूची का जो कैलेंडर जारी हो जाएगा, नियुक्ति प्रक्रिया का कैलेंडर जारी हो जाएगा, क्योंकि मंत्री जी चुनाव में फाइल उनके पास है और उनको सीएमओ से भी निर्देश मिल जाएंगे, और वहां से फाइल आते ही आगे प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 100% विश्वास मिला है, मैंने आज ही बात की है, इसके पीछे मैं पढ़ा हूं। तो पंचायत राज एलडीसी भर्ती के जो अभ्यर्थी है, घबराने की आवश्यकता है, 9 साल बाद आपको न्याय मिल रहा है, जो मैंने आपसे वादा किया था वो वादा पूरा होने वाला है। और मान लीजिए किन्हीं कारणवश, मान लीजिए कोई कारणवश आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, कोई कारण से एक दो दिन ऊपर नीचे हो जाए तो जनवरी 1 वीक है, लेकिन जनवरी 1 वीक इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि अभी भी जो लगातार जो अधिकारियों से मिला हूं, उन्होंने दिसंबर के लिए कहा है, लेकिन जो उन्होंने कहा था, कई बार कई कुछ समस्या हो जाती है। मान लीजिए अब मंत्री जी के पास फाइल थी, वो वहां गए हुए थे करौली, मान लीजिए वहां से आने में लेट हो जाए, मान लो कोई, कई बार टेक्निकल, हमने सोचा नहीं था कि फाइल इतने दिन रुक जाएगी, क्योंकि वो चुनाव में चले गए तो रुके, तो कहीं ना कहीं कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है। ऊपर नीचे हमने वादा किया आपको दिसंबर के लिए, लेकिन ऊपर नीचे हो जाए तो जनवरी 1 से ज्यादा नहीं होगा, ये उन्होंने कहा। तो अब प्रिपेयर, आप ऐसा नहीं है कि दिसंबर नहीं होगा, आपने वादा किया था जनवरी 1 वीक से आ गया, लेकिन कोशिश अभी भी यही है। अभी तक जो आज भी मैं अधिकारियों से मिलकर आया हूं, तो उन्होंने दिसंबर के लिए वादा किया, और मैं दिसंबर की जिद करके बैठा हूं कि दिसंबर में इसकी सूची जो नित्य प्रकार कैलेंडर जारी करके राहत प्रदान करे 9 साल से बेरोजगार इंतजार करें। लेकिन 1% दिक्कत हो जाए जनवरी 1 वीक हो जाए तो घबराने की आवश्यकता, लेकिन भर्ती प्रक्रिया 9 साल बाद शुरू हो रही है, जो अपनी एक बड़ी जीत है संघर्ष की, ये पंचायत राज एलडीसी के लिए, पंचायत राज जैन भर्ती के लिए। और साथियों, उपेंद्र यादव सर ने एलडीसी भर्ती 2013 की नियुक्ति और प्रक्रिया को लेकर इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ कहा है। और साथियों, जिसके प्रक्रिया इसी महीने या जनवरी 1 वीक के अंदर इसकी भर्ती का कैलेंडर जारी होगा और नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू होगी, जो कि एक बड़ी खबर है, जो कि बहुत से अभ्यर्थी लगातार यही कह रहे थे कि सर इसी महीने के अंदर जारी कराओ। लेकिन आप सब समझते हैं कि 2013 की भर्ती अब पूरी होने जा रही है, तो इसके अंदर कुछ तो हो सकता है, ये 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है, इसके कोई बड़ी बात नहीं है। और तमाम साथियों से निवेदन है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।